दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं, सही? हम आपको आदिवासी कहते हैं, मोदी जी आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक थे। आदिवासी शब्द का मतलब आदिवासियों को देश में जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो हिंदुस्तान के पहले मालिक और निवासी थे। अब बीजेपी कहती है, नहीं, आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप लोग वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं, उन्हें ना जमीन का हक है, ना जंगल का हक है, ना जल का हक है, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं। तो ये फर्क है। आप सोचिए, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं, कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। हिंदुस्तान का जंगल एक के बाद एक, एक के बाद एक एक के बाद एक गायब हो रहा है। जंगल गायब हो जाएगा तो फिर वो आपसे कहेंगे, आप वनवासी हो, जंगल तो बचा ही नहीं, तो चलिए आप जाके सड़कों पे भीख मांगिए, दूसरे लोगों के लिए काम कीजिए, और आपको इस देश में कोई हक नहीं मिलने वाला है। तो ये लड़ाई हो रही है। हमारे लिए आप आदिवासी हो, हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। वनवासी शब्द जो है आपकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश वाला शब्द है। आपके इतिहास को, आपकी भाषाएं को, आपके जीने के तरीके को खत्म करने का शब्द है। सीधी बात कहेंगे आपको कि भैया आप तो जंगल में रहते हो, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? जंगल में किसी को अधिकार थोड़ी मिलते हैं। तो ये फर्क है। अब चुनाव का समय है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करने जा रही है, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा है। तो मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं, मोदी कहते हैं नहीं,
मगर हिंदुस्तान के अरबपति जिनके पास सब कुछ है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा माफ किया। आज की हालत में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग अरबपति प्राइवेट हवाई जहाज और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, जितना पैसा इनके पास उतना पैसा उनके पास। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। तो सबसे क्रांतिकारी कदम, शायद दुनिया में पहली बार कोई भी पार्टी ऐसा कदम लेने जा रही है, महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी एक साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आएगा। एक साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। इससे हिंदुस्तान का और हमारे गरीब परिवारों का किस जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है। आप सोचो एक परिवार है, गरीब परिवार है, मध्य प्रदेश में मजदूरी करते हैं, 3-4 हजार रुपए की उनकी आमदनी है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत GST लागू की, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उन सब का नुकसान हुआ। GST ने, नोटबंदी ने उन सबको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया, तो रोजगार कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं और जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए
दो दो तीन वायदे किए हैं, ऐतिहासिक वायदे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं, परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे।